गुलाब सिंह। इस कहानी का लेखक है सुभद्र कुमारी चौहान। इस कहानी के द्वारा देशभक्ति, त्याग, बलिदान, भाई बहन का प्रेम, प्रजा की जिम्मेदारियां, कर्तव्य आदि का चित्रण किया गया है। इस पाठ में झंडा स्वतंत्रता के संकेत के रूप में दिखाया गया है। दिन और तारीख की जरूरत नहीं, जब हम अमर अंध की कहानी कहने वाले हैं तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चले। देर इज नो नीड फॉर ए डे एंड डेट वेन वी आर गोइंग टू टेल द स्टोरी ऑफ एन इंटरनल एंड देन वाई शुड वी होल्ड ऑन टू ए डे एंड डेट। उसके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था। ही हैड फादर, मदर एंड डॉल लाइक सिस्टर एट होम। गुलाब सिंह वाज द डार्लिंग ऑफ द होल फैमिली। एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से ना सहा गया। इट हैपेंड वंस ही फेल सिक। हिज मदर हैड स्टॉप गिविंग हिम फूड बट हिज आस्किंग फॉर फूड अगेन एंड अगेन वॉज नॉट टॉलरेटेड बाय हिज यंगर सिस्टर। वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिए अपने भैया को। सी सीक्रेटली स्टोल जैगरी एंड ग्राम एंड फेड देम टू हर ब्रदर। उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वह तो खिला चुकी थी। अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी, पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को ना बताई। धीरे धीरे रोग उतर गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई। आफ्टर दैट ब्रदर्स फीवर इंक्रीज बट सी हैड फेड हिम फॉर द सेक ऑफ हर ब्रदर्स सेटिफिकेशन। सी वॉज रेडी टू बियर द एंगर ऑफ हर पेरेंट्स बट ब्रदर डिड नॉट टेल एनीवन अबाउट द जैगरी एंड ग्राम। Gradually, the illness subsided, but brother's mind was imprinted with sister love. ऐसी एक नहीं, अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छपी थी। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आँखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो ना सके। ही वुड समटाइम्स फाइट विद देम बट टीयर्स ऑफ आईज एंड कलर्स ऑफ माइंड कुल नॉट वॉश अवे दिस पिक्चर इम्प्रिंटेड ऑन हिज माइंड। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई। यह हवा उमंगों की हवा थी। बड़ा भारी जुलूस निकलना था, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले। शहर में आतंक छा गया। वन डे सच ए वाइंड ब्लू दैट द विदर हार्ट वेर गिवन न्यू लाइफ। दिस विंड वॉज द विंड ऑफ एंथुसियाज्म। ए बिग प्रोसेशन वॉज टू बी टेकन आउट बट द किंग हैड ऑर्डर दैट प्रोसेशन शुड नॉट बी टेकन आउट। टेरर स्प्रेड इन द सिटी। बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा। भाई ने बहन से कहा, वाई शुड द प्रोसेशन नॉट बी टेकन आउट।
Why should our flag not be taken out? Brother said to sister. बहन बोली, कौन है बादशाह? Sister said, who is the king? भैया ने कहा, होगा कोई. Brother said, must be someone. बहन ने पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा? Sister asked, why should not there be a procession? Why should not there be a flag? भाई कटु स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है. Brother said, bitter tone, our country is a slave of the king. उत्तर था, तब तो जरूर निकले जुलूस, हम जरूर फहराएंगे अपना झंडा, देखते हैं कौन रोकता है हमें. द आंसर वाज, वी विल डेफिनेटली होस्ट आवर फ्लैग. लेट्स सी हु स्टॉप अस. झंडे की तैयारी होने लगी. बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना लिया. लाल हरा रंग भी चढ़ गया. भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध लिया. झंडा तैयार था. प्रिपरेशन फॉर द फ्लैग बिगेन. सिस्टर टोर हर ओल्ड स्वर्ल एंड मेड ए फ्लैग. द रेड एंड ग्रीन कलर्स आल्सो कम अप. ब्रदर टाइड इट टू हिज स्टिक. द फ्लैग वॉज रेडी. अब भाई झंडा लेकर चला. अरे भाई, जाते कहाँ हो? हम भी साथ चलेंगे. बहन आग्रह से बोली. नाउ द ब्रदर्स टूक द फ्लैग एंड स्टार्टेड वॉकिंग. हे ब्रदर, वेर आर यू गोइंग? वी विल आल्सो कम विथ यू. द सिस्टर सेड विथ इंसिस्टेंस. पर बहन, बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी. बट सिस्टर, वी हैव टू गो ए लॉन्ग वे, यू विल गेट टायर्ड. जुलूस कौन बनाएगा? तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे. हु विल फॉर्म द प्रोसेशन? यू कैरी द फ्लैग, वी विल फॉर्म ए प्रोसेशन एंड फॉलो यू. नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई को विदा करती है. नो रानी, यू विल नॉट फॉर्म ए प्रोसेशन. यू डू वन थिंग, सेंड अस ऑफ विद ए तिलक ऑफ रोली. जस्ट लाइक ए प्रिंसेस सेंड ऑफ हर ब्रदर प्रिंस. बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई. थाली में एक दिया भी जल रहा था. भाई की आरती उतारनी थी. मुंह के चारों तरफ घूमती थाली एक अभामंडल बनाने लगी. उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही अभामंडल देखा था. भाई के चारों तरफ वैसा ही अभामंडल देखकर वह बहुत खुश हुई. द सिस्टर क्लैप्ड हर हैंड्स विद जो एंड रन टू ब्रिंग सम रोली एंड सम राइस. ए दिया वॉज आल्सो बर्निंग इन द प्लेट. आरती ऑफ द ब्रदर हैड टू बी परफॉर्म. द प्लेट रिवॉल्विंग अराउंड द फेस स्टार्टेड क्रिएटिंग ऑन ए ऑरा. सी हैड सीन ए सिमिलर ऑरा इन द पिक्चर ऑफ गोट्स एंड गोट्सेस. सी वॉज वेरी हैप्पी टू सी ए सिमिलर ऑरा अराउंड हर ब्रदर. बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए, तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली. बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैया ली.
The sister applied a tilak on the brother's forehead. Then the brother touched the sister's feet and took leave. The sister stroked the brother's head and blessed him. अब वह झंडा लेकर चला। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती है। वह झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रही। Now he took the flag and left. The sister stood at the door and kept watching. This is now princess in the story. Farewell. She kept looking at the brothers waving the flag and carrying it away. कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वह ना रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वह गिरा, झंडा ना गिरा। वह उसके हाथ में था। गोली चलते देख कोई उसके पास ना आया। बहन ने भाई को गिरते देखा। वह दौड़ पड़ी। भाई खून से लथपथ पड़ा था। वह पुकारती रही, भैया भैया। After going some distance, the king's soldier stole the flag. He did not stop. The king's soldier shot him. He fell. The flag did not fall. It was in his hand. No one came to him after seeing the shot. The sister saw the brothers falling. She ran. The brothers was laying soaked in blood. She kept calling brother, brother. भाई के प्राण मानो यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। वह बोला, तू आ गई, यह झंडा ले। It was as if the brother's life returned after the hearing this word of nectar. He said, you have come, take this flag. बहन ने झंडा थाम लिया। भाई चला गया। बहुत रोई, पर झंडा हाथ में उठाई रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। लोग भागे आए। उन्होंने भाई के देह उठाई। आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। द सिस्टर हेल्ड द फ्लैग। द ब्रदर लेफ्ट। सी क्राइड ए लॉट बट kept the flag in her hand. It was the king's soldier had owned the foot and left. People come running. They lifted the brother's body. The sister started walking ahead, carrying the flag. बादशाह का हुक्म था, जुलूस नहीं निकलेगा। जुलूस निकला, झंडा नहीं निकलेगा। झंडा निकला और बड़ी शान से निकला। The king had ordered, there will be no procession. The procession took place, the flag will be not be taken out. The flag was taken out and it was taken out with great pomp. यह बालक था गुलाब सिंह, जो अपने सुंगत बिखेर कर चला गया। The boy was Gulab Singh, who left spreading his fragrance. एक वाक्य में उत्तर लिखिए। Write answer in one sentence. किस कारण से बालक का खाना बंद कर दिया गया? For what reason was the child food stopped? Answer. बीमार पड़ने के कारण से बालक का खाना बंद कर दिया गया। The child's food stopped because he fell ill. बहन ने भाई को क्या खिला दिया? What did the sister feed the brothers?
आंसर, बहन ने भाई को गुड़ और चने खिला दिया। द सिस्टर फेड जैगरी एंड ग्राम टू द ब्रदर्स। शहर में क्यों आतंक छा गया? वाई डिड टेरर स्प्रेड इन द सिटी? आंसर, बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले, इसीलिए शहर में आतंक छा गया। द किंग हैड ऑर्डर दैट प्रोसेशन शुड बी नॉट टेकन, देयरफॉर टेरर स्प्रेड इन द सिटी। थाली में क्या जल रहा था? व्हाट वॉज बर्निंग इन द प्लेट? आंसर, थाली में दिया जल रहा था। ए लैम्प वॉज बर्निंग इन द प्लेट। झंडा किससे बना? व्हाट वॉज द फ्लैग मेड ऑफ? आंसर, झंडा बहन की पुरानी ओढ़नी से बना। द फ्लैग वॉज मेड फ्रॉम द सिस्टर्स ओल्ड सोल। बहन ने क्या थाम लिया? व्हाट डिड द सिस्टर होल्ड? आंसर, बहन ने झंडा थाम लिया। द सिस्टर हेल्ड द फ्लैग। दो या तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए। राइट आंसर इन टू और थ्री सेंटेंस। भाई को बहन कैसे विदा करती है? हाउ डज ए सिस्टर फेयरवेल टू हर ब्रदर? आंसर, बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए, भाई ने बहन के पैर छुए, बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलाइयाँ ली। इस प्रकार बहन भाई को विदा करती है। द सिस्टर अप्लाइड तिलक ऑन हर ब्रदर्स फोरहेड एंड द सिस्टर टस्ट ब्रदर हेड एंड ब्लेस्ड हिम। दिस इज हाउ ए सिस्टर फेयरवेल टू हर ब्रदर। भाई को गिरते देखकर बहन ने क्या किया? व्हाट डिड द सिस्टर डू व्हेन शी सॉ हर ब्रदर फॉलिंग? आंसर, बहन ने भाई को गिरते देखा, वह दौड़ी, भाई खून से लथपथ पड़ा था। वह पुकारती रही, भैया भैया। व्हेन द सिस्टर सॉ हर ब्रदर फॉलिंग सी रन, द ब्रदर्स वॉज लेइंग सोक इन ब्लड। सी केप्ट कॉलिंग ब्रदर ब्रदर।